मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर सफल लैंडिंग करके दुनिया में इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश भी बन गया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 की सफलता कुछ महीने के बाद जापान ने भी एक मिशन चांद पर भेजा था, जिसने इसी साल जनवरी में सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी और जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। लेकिन इस मिशन में एक गलती हुई थी। लैंडिंग के समय उतरने में गलती के चलते लैंडर को कुछ देर बाद ही ऑफ करना पड़ा था। लेकिन अब उसके करीब 3 महीने के बाद यह लैंडर चांद पर दूसरी रात बिताकर भी फिर से जिंदा हो गया है। यह खबर सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर जापान ने ऐसा कैसे कर दिया। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं जापान के इस कारनामे के बारे में। बस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे दोस्तों, जापान के मानव रहित चंद्रयान का लैंडर मून स्नाइपर चांद पर 2 सप्ताह की दूसरी रात बिताने के बाद एक बार फिर से जिंदा हो गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लैंडर स्नाइपर ने चांद से धरती पर नई तस्वीरें भेजी हैं। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने हमें कल रात स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून से एक प्रतिक्रिया मिली। इसने पुष्टि कर दी है कि लैंडर ने चांद पर अपना दूसरा रात्रिकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एजेंसी ने एक्स पर क्रेटर की छटनी, सतह की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी शेयर की है। जापानी स्पेस एजेंसी ने आगे बताया, चूंकि कल रात चांद पर सूरज अभी भी आसमान में था और उपकरण गर्म थे, इसलिए हमने थोड़े समय के लिए अन्य गतिविधियों के साथ नेविगेशनल कैमरे के साथ सामान्य दृश्यों की तस्वीरें रिकॉर्ड की। जापान के पहले मून मिशन ने इसी साल जनवरी में चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके साथ ही जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बना था। हालांकि लैंडिंग के समय इसका लैंडर स्नाइपर गलत कोण पर चला गया, जिससे उसके सौर पैनल गलत दिशा में खुल गए थे। इसकी वजह से लैंडर की बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी और लैंडिंग के 3 घंटे के भीतर ही जापान स्पेस एजेंसी ने इसे स्विच ऑफ करने का फैसला लिया। उस समय लैंडर में 12% बैटरी बची थी। जनवरी के आखिर में जब सूरज पैनल की सीध में आया तो लैंडर 2 दिनों के लिए एक्टिव हुआ था। इस दौरान इसने कुछ वैज्ञानिक मिशन को पूरा किया था। 2 दिन बाद चांद पर 15 दिनों की लंबी रात शुरू हो गई। इस दौरान चांद की सतह का तापमान -136 डिग्री पर पहुंच जाता है। लैंडर को इतने कम तापमान में काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसे में इसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया। चांद पर पहली लंबी रात बिताने के बाद स्नाइपर फरवरी में फिर से जिंदा हुआ था और चांद की जांच पड़ताल करके उसकी जानकारी धरती पर भेजी थी। जापान के मून मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नीचे की गहरी परत की जांच करना है। जापान के चंद्रयान के जागने की खबर ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी लैंडर ओडिसियस ऐसा करने में फेल रहा था। ओडिसियस चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान था। शनिवार को ओडिसियस के निर्माता ने बताया कि इसके सौर पैनलों को रेडियो चालू करने के लिए पर्याप्त सूर्य की रोशनी प्राप्त करने का अनुमान लगाए जाने के बाद भी इसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सका। लेकिन जापान ने अपने मून मिशन को फिर से जिंदा करके इतिहास जरूर बना दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक भी कर ले। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज गुरु हिंदी।